ओके डियर स्टूडेंट्स गुड इवनिंग हाउ आर यू टुडे वी हैव टू स्टार्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अब प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा हमने संक्षिप्त से की थी कल अब ये टॉपिक आज मुझे कवर करना है आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भी दिया था कि आप लोग सभी लोग पढ़ के आए होंगे और आप लोग बहुत लोग काफी उत्साहित हो काफी इंथ्यूजैस्टिक हो और जरूर आप पढ़ के आए होंगे कोई बहुत ज़्यादा मैटर तो है नहीं तो लेकिन हाँ मैंने जो आपको जो तरीका बताया है मेरे तरीका को आप लोग बिल्कुल से बहुत कॉन्फिडेंस रख के उस तरीका को फॉलो करोगे अकेला टॉपिक नहीं पढ़ना है सारे टॉपिक को लिंक करके पढ़ना है हम लोग किस टॉपिक में चल रहे हैं पार्ट पार्ट थर्ड में पार्ट थर्ड का एक चौथा उपखंड है अब इसके बाद आपको मैं जो कल मैटर भेजवाऊंगा वो पार्ट पार्ट फोर्थ में आप जा चुके होंगे क्योंकि इसके अगला मैटर आपका आएगा प्रिस्प कॉन्फ्रेंस तो आप पार्ट फोर्थ में आ चुके होंगे तो इसलिए हम आज पार्ट थर्ड फिनिश करेंगे इरादा तो यही है यह देखो हो सकता है थोड़ा बहुत रह जाए तो कोई बात नहीं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पहला पार्ट थर्ड का पहला हम लोगों की थी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ब्रिटेन में और ब्रिटेन से बाहर दूसरा हमारा था समाजवाद और मार्क्सवाद और तीसरा हमारा था साम्राज्यवाद और नया साम्राज्यवाद और चौथा हमारा अब आया है प्रथम विश्व युद्ध जो, जो है तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं ये डायग्राम काफी टेलिंग डायग्राम है और इसमें आपको 19वीं सदी में को लॉन्ग नाइनटीन सेंचुरी क्यों है तो, तो पीछे भी चर्चा हो चुकी है तो उसमें जिसको प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसको कैपिटलिज्म का क्राइसिस भी लेलिन उसको कहता है ये पूंजीवाद का संकट था अब इसके कारण क्या है तो राजनीतिक कारण भी है आर्थिक कारक है सामाजिक कारक है वैचारिक कारक है कूटनीतिक कारक है टोटल वन टू थ्री फोर फाइव कारक है मैटर में तो कारक के बारे में दिया ही हुआ है लेकिन जो पहला कारक है राजनीतिक कारक वो थोड़ा संक्षित में दिया हुआ है थोड़ा मैं आपको बिस, बिस्मार्क की विदेश नीति थोड़ा और विस्तार से बता देता हूं आपको समझने के लिए चूंकि जो बिस्मार्क की विदेश नीति है वो काफी इंटरेस्टिंग है तो हम आपको बिस्मार की विदेश नीति थोड़ा सा बताते हैं देखिए चलिए पहले लेकिन इनका तो क्वेश्चन है कुछ पहले आपका कल का क्वेश्चन पहले मैं देख लू कल आपने कौन सा क्वेश्चन किया है हाँ ये सदी के भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य है किन कारकों ने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया 150 शब्द अब ये बताइए मैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आपने ट्राई किया था हुआ था या नहीं हुआ था अंकुश उनसे पूछिए अच्छा तो उत्तर में भूमंडलीकरण अब ऐसे क्वेश्चन में पहले भूमंडलीकरण की मतलब सही शुरू कर दिए होंगे भूमंडलीकरण से तात्पर्य है तात्पर्य है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों का परस्पर जुड़ाव परस्पर जुड़ाव तथा एक दूसरे के निकट आना हो गया अब अगर चाहो तो ये भी दे सकते हो कि इतिहास के कुछ विशिष्ट कालखंड में विशिष्ट कालखंड में भूमंडलीकरण इतिहास के कुछ विशिष्ट कालखंड में कालखंड में भूमंडली भूमंडलीकरण स्थिति उत्पन्न हुई अब यहां पर जैसे भूमंडलीकरण की स्थिति उत्पन्न हुई इतिहास के कुछ विशिष्ट कालखंड में अब यहां से आप इसको ले सकते हो कैसे इतिहास के विभिन्न कालखंड में भूमंडलीकरण की स्थिति उत्पन्न हुई तो अब इसमें एक पंक्ति दे सकते हो कि उन्नीसवीं सदी में भूमंडलीकरण को प्रेरित करने वाले निम्नलिखित कारक थे निम्नलिखित कारक थे अब उसको अच्छे कारक तुम जानते हो डॉट डॉट देके पॉइंट वाँट वन वाँट टू करके उन कारकों का कारकों के बारे में दोगे एक एक लाइन एक एक पंक्ति एक एक दो एक दो पंक्तियां लिखते हुए छे कारक के बारे में लिख डालिए शॉर्ट में हो जाए देखिए लिखने में हिचक हो रही है क्वेश्चन को स्टार्ट करने में हिचक हो रही है हिचक मत करिए आप लिखते जाइए प्रॉब्लम खुद सुलझ जाएगा आपका लिखना जारी रहना चाहिए ओके तो चलिए अब हम लोग जब राजनीतिक कारक में जैसे हम कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध तो इस प्रथम विश्व युद्ध के कारण पर विचार करोगे तो कारण में आपको मिलेगा सबसे पहले राजनीतिक फिर आर्थिक सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक वैचारिक वैचारिक और कूटनीतिक ये काफी है आपको अब इसी में चाहिए तो तात्कालिक कारक दे दीजिए अब थोड़ा पीछे चलिए राजनीतिक में राजनीतिक में आप देखते हो संधि प्रणाली अथवा गुटबंदी अब देखो गुटबंदी का क्या है मैं आपको बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहीं से कहानी शुरू हुई जैसे 1870 में सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ तो जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो जो ओटोवन बिस्मार्क जर्मन चांसलर था उसका उद्देश्य पूरा हो गया तो अब बिस्मार्क का यह कहना था कि जर्मनी का एकीकरण हो चुका है जर्मनी अब संयुक्त राष्ट्र है उसको अब नए क्षेत्र में विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि जर्मनी का प्रयास केवल यह होना चाहिए क्योंकि आप जानते ही हो कि फ्रांस जो यूरोप का कभी पैरामाउंट पावर हुआ करता था उसको डिसग्रेस करके पीछे की घटना तो याद होगा आप लोगों को होगी इसीलिए मैं आप लोगों को मैंने कहा हुआ है कि डेली पढ़ने के साथ 20 मिनट आप लोग सोचने पर दीजिए तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा आदत बन गई तो फिर सोशल साइंस में आपको कोई परेशानी नहीं हुई सोशल साइंस में पढ़ने का तरीका स्ट्रक्चर बनाइए लिंक करिए मेनली आप आइडियाज को गेन करिए और तथ्य को उदाहरण के रूप में लीजिए तथ्य को स्वतंत्र रूप से याद करने की कोशिश करेंगे इंफॉर्मेशन को तो मुंह की खानी पड़ेगी क्योंकि इंफॉर्मेशन को गैदर करना अपने आप में एक बड़ा ही टिकलिस टास्क है वो संभव नहीं होता है तो आप अगर अपने आइडियाज के साथ उसके एग्जाम्पल्स के रूप में इन्फॉर्मेशन को याद रखेंगे रहे, तो बहुत अच्छे से वो आपको याद रहेगा तो चलिए संधि प्रणाली अथवा गुटबंदी तो संधि प्रणाली अथवा गुटबंदी क्या थी उसको देखिए एक्चुअली जब बिस्मार्क को यह लगा कि भाई हमने तो सेडान के युद्ध में कहा भी जाता है कि सेडान के युद्ध में यूरोप ने एक स्वामी को खो दिया तो एक दूसरे स्वामी को प्राप्त कर लिया तो ओटोमन बिस्मार्क को यह लगा कि भाई यह तो सही है कि हमने अभी फ्रांस को दबा दिया लेकिन फ्रांस भूलेगा नहीं फ्रांस आज न कल इसका प्रतिशोध अवश्य लेगा तो इसलिए उसने अपना लक्ष्य बनाया या बिस्मार्क की विदेश नीति का दो चरण है एक चरण तो अठारह में जब वह प्रसा का चांसलर था तो उस चरण में उसका उद्देश्य रहा जर्मनी का एकीकरण लेकिन जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो वो जर्मनी का चांसलर बन गया संयुक्त जर्मनी का अब उसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में फ्रांस को अलग थलग कर देना इसके लिए जानते हो पहले उसने गुटबंदियां शुरू की तो जैसे गुटबंदियां कैसे कैसे हुई मैं आपको बताता हूं पहले अठारह में उसने रूस उसने जर्मनी ऑस्ट्रिया और रूस इसके तीन राष्ट्राध्यक्षों की बैठक बर्लिन में बुलाई और बर्लिन में उन तीनों की बैठक बुलाकर उसने इन तीनों महत्वपूर्ण राजतंत्र की एकता स्थापित करनी चाहिए क्योंकि देखो ब्रिटेन को तो गुटबंदी से भी मतलब नहीं है ब्रिटेन तो आप जान रहे हो कि जब हां आपको याद है क्रीमिया के युद्ध में उसने शक्ति संतुलन स्थापित करके और चाबी यूरोप की फ्रांस के हाथ में लुई नेपोलियन तृतीय के हाथ में देके ब्रिटेन चला गया था तो जब जर्मनी ने मेंटली अलर्ट हो ना आप लोग जब बिस्मार्क ने जब लुई नेपोलियन तृतीय को धूल चटाकर जब सेडान के युद्ध में जब जीता तो ब्रिटेन को थोड़ी शंका हुई कि पता नहीं और शक्ति संतुलन तो नहीं बिगड़ जाएगा क्योंकि जर्मनी एक हो गया तो बिस्मार्क ने एक तरह से तो उसको आश्वासन दिया घबराइए नहीं हम इसी भूमिका में है जिस भूमिका में लुई नेपोलियन तृतीय मतलब हमसे आपको कोई खतरा नहीं और एक बात और जान लीजिए बिस्मार्क जानता था कि ब्रिटेन की दो कमजोरियां हैं अगर उन दो कमजोरियों को नहीं टटोलेंगे तो ब्रिटेन हमारे लिए खतरा नहीं हो एक ब्रिटेन की कमजोरी है कि ब्रिटेन विश्व में अपनी नौ सैनिक श्रेष्ठता की क्षमता को बनाए रखना चाहता है अगर आप ब्रिटेन की नौ सैनिक श्रेष्ठता को चुनौती देंगे तो ब्रिटेन आपका शत्रु बन जाएगा तो बिस्मार्क ने यह की वह अपनी आर्मी को मजबूत करता रहा लेकिन नौसेना को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया ताकि ब्रिटेन को आपत्ति ना हो तो एक तो यह था दूसरा कि बिस्मार्क को एक और भी बात लगती थी बिस्मार्क को यह लगता था कि चलिए कोई नहीं जैसे ब्रिटेन की एक और कमजोरी वो जानता था कि ब्रिटेन अपना विस्तार अन्य महाद्वीपों में करना चाहता है तो अगर जर्मनी एशिया अफ्रीका में जाकर ब्रिटेन को चैलेंज देने की कोशिश करेगा तो ब्रिटेन नाराज हो जाएगा तो उसने दोनों से परहेज किया उसने कहा कि जर्मनी को अन्य महाद्वीपों में नहीं जाना जर्मनी को अपनी एशिया की सीमा में बंद कर रहना चाहिए सॉरी अपने राष्ट्रीय सीमा में बंद कर रहना चाहिए तो ब्रिटेन को उसे कोई खतरा नहीं था तो ब्रिटेन अपना वैसे भी महाद्वीप महाद्वीप की राजनीति से प्राय अलग ही रहता था वो अपना समुद्र साम, पार अपने साम्राज्य में चला गया और अब है रशिया है ऑस्ट्रिया है फ्रांस है यही यूरोपीय शक्तियां हैं तो फ्रांस को तो अलग थलग तक करना है और जर्मनी है तो जर्मनी ने सोचा कि हम ऑस्ट्रिया और रूस के साथ मिलकर एक गठबंधन बना लेते हैं तो फ्रांस अलग थलग हो जाएगा लेकिन जानते हो ऑस्ट्रिया और रूस को एक प्लेटफॉर्म पर लाना अपने आप में बड़ी मुश्किल का काम था क्योंकि ऑस्ट्रिया और रूस का क्षेत्र में हित बहुत ज़्यादा टकरा रहा था। अब मैं आपको याद दिलाऊं, या आपको याद है कि कैसे रूस ने सर्बिया को प्रोत्साहन दिया कि तुम वही बालकन समस्या जो तुम सर्वसलाववादी या अखिल सलाववादी आंदोलन चलाओ और जो सर्व आंदोलन पैन मूवमेंट वो चलाएगा तो उससे क्या खतरा था कि उसे केवल ऑटोमन साम्राज्य ही नहीं टूटता हैस्वर्ग साम्राज्य भी टूट जाता यह बात मैं आपको बता चुका हूं आप कहीं भी अगर वो बात अंकुर ये लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं yes. कोई क्वेरीज तो नहीं है ना नहीं। हाँ क्योंकि आप लोगों को सब कुछ समझना है और मैं आया हूं आपको समझाने के लिए और आपके पूरे पढ़ने और लिखने के तरीका को बदलने के लिए आप लोग बिल्कुल ही इस बदलाव को स्वीकार करिएगा तो अब क्या है कि इसने सोचा कि भाई चलो वो तो नहीं संभव हुआ तो इसने एक दूसरा तरीका अपनाया दूसरा तरीका क्या अपनाया कि तब तक क्या हुआ कि जर्मनी ऑस्ट्रिया तो रूस और ऑस्ट्रिया के हित आपस में बहुत ज्यादा टकरा रहे थे और आपके मन में एक बात और होगी कि ऑस्ट्रिया को तो इसने पराजित और अपमानित किया था जैसे फ्रांस को किया था आपको याद होगा अठारह में ऑस्ट्रिया को पराजित करके और तब इसने याद करिए ऑस्ट्रिया को पराजित करने के बाद अठारह में सेडोवा के युद्ध तो में तब इसने जर्मनी का एकीकरण किया था तो फिर ऑस्ट्रिया को अपने कैंप लान में कैसे कामयाब रहा तो देखो ऑस्ट्रिया से इसको थोड़ा सा जर्मनी को एक भाईचारा की भी भावना थी दोनों में क्योंकि ऑस्ट्रिया में कई रेसेस थे कई नस्ल के लोग थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मैं बताऊंगा कि क्या होगा ऑस्ट्रिया का ऑस्ट्रियाई साम्राज्य यही साम्राज्य है ऑस्ट्रियाई साम्राज्य और साम्राज्य साम्राज्य दोनों एक है तो है ध्यान रखना तो ये जो उसमें कई नस्ल के लोग थे नस्लीय समूह के सबसे मेजोरिटी जर्मन जनसंख्या थी और जर्मनी में जर्मन जनसंख्या थी तो दोनों में कहीं ना कहीं बंधुता का लगाव हो जाता था और रूस में स्लाव जनसंख्या थी और स्लाव को थोड़ा सा जर्मन लोग इन्फीरियर तरीके से देखते थे उनको रूस के साथ वह दिल नहीं मिल पाता था जो ऑस्ट्रिया के साथ मिलता था तो क्या हुआ कि अब दोनों में से एक को चुनने की बात हुई चूंकि बिस्मार्क को लगा कि नहीं दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना संभव नहीं होगा तभी एक घटना हुई 1878 में बर्लिन कांग्रेस का आयोजन हुआ तो 1878 में बर्लिन कांग्रेस का आयोजन क्यों हुआ उसको समझ लीजिए एक्चुअली हुआ क्या था उधर रूस का तो आप जानते हो कि रूस का लालच बालकन क्षेत्र में था और रूस हमेशा चाहता था कि ऑटोमन साम्राज्य का कुछ भूभाग काट डालू और तो अब को हमेशा डर होता था कि अगर यह ऑटोमन साम्राज्य का भूभाग काट डालेगा तो शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा इसीलिए वो क्रीमिया का युद्ध लड़ा था लेकिन क्रीमिया के युद्ध के बाद भी धीरे धीरे रूस की शरारत फिर शुरू हो गई थी तो रूस ने उसमें क्या किया था ऑटोमन साम्राज्य पर सॉरी हाँ ऑटोमन साम्राज्य पर दबाव डालकर उस पर एक संधि थोप दी थी और कहा था कि काला सागर तुम हमारे लिए खोल दो उसका जो दो जल मध्य जो मैंने बताया हुआ है बॉस्फोरस और डार्डेलस उस पर कब्जा करके और सीधे अपने जहाज को काला सागर में लाने के का प्रयास किया ब्रिटेन घबरा गया और ब्रिटेन ने तुरंत अच्छा उसने ऐसा क्यों किया था तो रूस को चाहिए काला सागर काला सागर से भूमध्य सागर में आना तो काला सागर के दो जल डब्लू मध्य कब्जा करना चाह और ऐसा किया उसका एक संधि उसने कर ली थी रूस के साथ, साथ सेन सेन तो दबाव डाल के कर लिया और उसे दो जल डब्लू मध्य के भूमध्य सागर में आने की तैयारी करने लगा तो ब्रिटेन ने उसको ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिजरेली था उसने चेतावनी दी उसने कहा खबरदार हम इस संधि को नहीं मानते हैं आप ऑटोमन साम्राज्य से वह भूभाग नहीं छीन सकते हैं आप ऐसा करिए अविलंब आप यह संधि किसी यूरोपीय कांग्रेस को सुपुर्द कीजिए यूरोपीय कांग्रेस इस संधि के भविष्य का निर्णय लेगा वैसे तो रूस बहुत टेढ़ा था आप तो पता ही है उसको तो अप, अपने आप पर बहुत पहले भी अहंकार हुआ करता था लेकिन चूंकि वह अठारह में क्रीमिया का युद्ध हार चुका था ब्रिटेन के हाथों पिट चुका था इसलिए उसको हिम्मत नहीं पड़ी कि ब्रिटेन को चुनौती दे वो संधि को सबमिट कर दिया यूरोपीय कांग्रेस को अब यह यूरोपीय कांग्रेस कहाँ हो तो आपको याद होगा पहले इस प्रकार का कांग्रेस होता था फ्रांस की राजधानी पेरिस में लेकिन अब तो फ्रांस डिस्ग्लेस हो चुका है अब तो पूरी मतलब यूरोप का जो राजनीतिक कूटनीति का पोल बन चुका है ध्रुव बन चुका है वह पेरिस की जगह बर्लिन बन चुका है अब वह बर्लिन वह पोल है तो बर्लिन में कांग्रेस का आयोजन हुआ और इस कांग्रेस की अध्यक्षता बिस्मार्क ने की अच्छा और ब्रिटेन के साथ ऑस्ट्रिया तो भी था क्योंकि ऑस्ट्रिया को भी गुस्सा था रसा के ऊपर कि क्यों साम्राज्य क्योंकि ऑस्ट्रिया को तो वैसे भी शत्रुता रूस से थी क्योंकि सर्बिया को भरका रहा था तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हल्का सा है लेकिन तुमने तो ब्रिलियंट लोग हो उसमें आपको दिक्कत नहीं हुई तो जब अध्यक्षता करने आया बिस्मार्क तो बिस्मार्क जब बैठा पंचायत में मतलब पंच की कुर्सी पर तो बिस्मार्क कोई निष्पक्ष पंच नहीं था अब उसको चुनना था कि एक तरफ ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन था दूसरी तरफ रूस था उसने ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन को ही चुन लिया उसने क्या किया कि उस समय कि मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ऑटोमन साम्राज्य के अधीन दो स्लाव क्षेत्र थे पता नहीं अगर मानचित्र रहा हो तो मेरा काम आसान हो जाएगा इट यूरोप यूरोप देव वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बुल्गारिया रोमानिया ऑटोमना

ऑटोमन साम्राज्य को कह रहा था कि तुम बोस्निया और हर्जेगोविना को आजाद कर दो तो अब बोस्निया हर्जेगोविना अगर आजाद हो जाता तो सलाव पॉपुलेटेड रीजन था और अगर इस तरह से सलाव आजाद होते होते चले जाते ऑटोमन साम्राज्य के तो हैस्वर्ग साम्राज्य का भी एक पॉइंट बढ़ाओ दो टेंपरेचर तो फिर तो हैस्वर्ग साम्राज्य के थोड़ा या इसको ऊपर कर दो जस्ट यू विल टच इट डायरेक्शन और सिंपली थोड़ा सा उसको एक टेम्परेचर बढ़ा तो अगर वह आजाद हो जाता तो फिर ऑटोमन साम्राज्य का भी सलाह कहते हमें आजाद कर दो तो वही ऑस्ट्रिया विरोध कर रहा था कि बोस्निया हर आजाद नहीं होना चाहिए अब जब पंचायत में जब बैठा बिस्मार्क तो बिस्मार्क एक निष्पक्ष पंच नहीं था बिस्मार्क को लगा कि मैं ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया को थोड़ा फेवर करना पड़ेगा तो उसने जानबूझ के रूस से रूस के विरुद्ध निर्णय लिया उसने बोस्निया और हरजेगोबिना बर्लिन कांग्रेस में अठारह का कांग्रेस को बर्लिन कांग्रेस बोलते हैं बोस्निया और हरजेगोविना को काटकर उसने ऑटोमन साम्राज्य से और वह दे दिया उसने अगर जैसे मान लीजिए दो बात होती या तो बोस्निया हरजेगोबिना को ऑटोमन साम्राज्य के अधीन ही रहने देता या फिर बोस्निया हर को आजाद बना करके उसको एक पृथक राष्ट्र बना देता परंतु तो ऐसा नहीं किया उसने बोस्निया हर ऑटोमन साम्राज्य से लिया और जो हैस्वर्ग साम्राज्य है यह हैसवर्ग साम्राज्य के अधीन उसने उसको एक तरह से ऑस्ट्रिया हंगरी देखो ये हैसवर्ग साम्राज्य है उसके अंदर इसको एक उसके संरक्षण में रख दिया हैसवर्ग साम्राज्य के संरक्षण में रख दिया रूस को बड़ा धक्का पहुंचा और सर्बिया को तो बहुत कष्ट हुआ कि भाई ये क्या पंचायत हुई हर जो क्यों रखा गया ये तो मतलब गलत है उसको एक पृथक राष्ट्र होना चाहिए तो उसकी जो पंचायत थी उस पंचायत पर तो आपत्ति हुई लेकिन उसको ऑस्ट्रिया को खुश करना था और ब्रिटेन को भी खुश करना था ब्रिटेन को यूरोप में एक साइप्रस जगह है वो दे दिया उस पंचायत में तो ये पंचायत बड़ा पक्षपातपूर्ण रहा रूस आहत हुआ और लेकिन रूस के आहत होने के बाद भी इस बात का बिस्मार्क ने ध्यान रखा कहीं फ्रांस के गुट में ना चला जाए इसलिए रूस को थोड़ा मरहम लगाने की कोशिश की उसने इधर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जब उसने इतना काम करके ऑबलाइज कर दिया इसको तब इसने एक महत्वपूर्ण काम किया बिस्मार्क ने कि तो उसके उसका तार्किक पड़ना हुई कि अठारह में इन दोनों के बीच ऑस्ट्रिया के बीच और जर्मनी के बीच एक द्विगुट संधि हो गई जर्मनी के बीच द्विगुट संधि द्विगुट संधि हो गई तो द्विगुट संधि में क्या हुआ कि अब ये दोनों रक्षात्मक संधि थी रक्षात्मक संधि यह थी कि अगर कोई तीसरी पार्टी दोनों में से किसी एक पर हमला करता है तो पहली पार्टी दूसरी पार्टी की की, की सहायता में खड़ा हो जाएगा यही था अब बिस्मार्क चाहता था कि किस तरह इटली को हमला की इस दुगुट को त्रिगुट बनाऊं इटली के साथ तो आपको याद है कि जब प्र, प्रशा का संबंध शुरू में अच्छा रहा था सिलोवा के युद्ध में प्रशा के सपोर्ट से उसको वेनेशिया भी मिल गया था ऑस्ट्रिया से लेकिन बावजूद इसके जहां तक फ्रांस की बात थी तो इटली फ्रांस और जर्मनी के बीच विभाजित महसूस करता था वो जर्मनी से भी निकटता महसूस करता था और फ्रांस से भी उतनी ही निकटता महसूस करता था वो फ्रांस के खिलाफ नहीं जाना चाहता था तो अब बिस्मार्क ने दिमाग लगाना शुरू किया कि इटली को कैसे अपने गुट में लाओ तो बड़ा ही सदा हुआ कूटनीतिज्ञ था तो उसने उसको ऐसा लगा कि देखो इटली और फ्रांस के बीच प्राय संबंध अच्छे हैं एक ही ऐसा क्षेत्र है जहां दोनों में मतभेद है वो था अफ्रीका में अगर आप उत्तरी अफ्रीका में जाएंगे तो उत्तरी अफ्रीका में एक क्षेत्र आपको मिलेगा ट्यूनिशिया तो उसको लगा ट्यूनिशिया एक ऐसा क्षेत्र है जिसको जिस पर इटली का कब्जा है फ्रांस उस पर कब्जा करना चाहता था ये फ्रांस के मन में गलत फहमी यह थी कि अगर हम कहीं ट्यूनिशिया पर कब्जा करें तो उसकी सहायता के लिए जर्मनी ना आ जाए तो उसकी सहायता के लिए जर्मनी ना आ जाए इसीलिए वह डर रहा था फ्रांस बिस्मार्क को लगा कि यार अगर इसको हम किसी तरह से हिंट कर दे कि भाई हम नहीं आएंगे सहायता के लिए तो फ्रांस अगर ट्यूनिशिया पर कब्जा कर लेता है तो इटली का राष्ट्र तो इटली आहत होगा और आहत होने के बाद नेचुरली हमारे गुट में आ जाएगा तो उसने बड़ी चालाकी से फ्रांस के राजदूत को डिनर पर रात में बुलाया और डिनर लेते लेते उसे हिंट कर दिया कि अगर फ्रांस ट्यूनिशिया पर कब्जा कर लेता है तो जर्मनी को कोई आपत्ति नहीं होगी अब इतना हिंट तो फ्रांस के लिए काफी था तुरंत वो राजदूत ने फ्रांस की सरकार को खबर की और फ्रांस की खबर दिया और फ्रांस की सरकार ने एक्शन लेकर ट्यूनिशिया पर कब्जा कर लिया घटना है एटीन की बस तुरंत बिस्मार्क अब इटली का आंसू पोछने पहुंच गया और कहा कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि आपको इस गुट में होना चाहिए अब इटली भी आ गया इस गुट में और फिर बन गया अठारह का में त्रिगुट अब इधर त्रिगुट बन गया तो बिस्मार्क के लिए एक काम पूरा हो गया था लेकिन बिस्मार्क ने यह कोशिश की कि रूस भी कहीं इतना अलग थलग ना पड़ जाए कि वह फ्रांस के गुट में चला जाए तो, तो फ्रांस मैंने रूस कहीं इतना ज्यादा आहत ना हो जाए कि फ्रांस के गुट में चला जाए तो रूस के साथ भी अठारह में उसने एक पुनर् संधि की खैरनी में वो अलग तरह की कहानी है उस पर भी मैं नहीं चर्चा करना चाहूंगा तो कुल मिलाकर इस तरह से बिस्मार्क बैलेंस लेकर चल रहा था परंतु तो बिस्मार्क की विदेश नीति बड़ी ही जटिल थी इतनी जटिल थी कि कोई दूसरा चांसलर उसको संभाल ही नहीं सकता था 1890 में 20 वर्ष तक वो रहा प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय भी उसने अपने हाथ में रखा हुआ था 1890 में उसको रिजाइन करना पड़ा वो भी अभी वो नहीं करता इसलिए रिजाइन करना पड़ा कि विलियम प्रथम जो पहला जर्मनी का शासक था जो एकीकरण के समय था वो तो बिस्मार्क पर ब्लाइंड फेथ करता था पूरे फॉरेन पॉलिसी को उसके हाथ में दिया हुआ था लेकिन उसका उत्तराधिकारी जो विलियम कैशर हुआ वह बिस्मार्क को इज्जत नहीं करता था और वह अपनी अलग नीति चलाना चाहता था वो बिस्मार्क की नीतिगत नीति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था तो उसने बिस्मार्क की नीति को उलटना शुरू कर दिया इसी पर बिस्मार्क ने में चांसलर के पद से रिजाइन कर दिया अब देखो अब विलियम बिस्मार्क चाहता था कि फ्रांस अलग थलग रहे लेकिन विलियम कैसर की नीति के कारण फ्रांस अलग थलग नहीं रह पाएगा कैसे तो मैं आपको बताता हूं एक तो देखो ये तो मैंने आपको बताया कि बिस्मार्क ने विदेश नीति में अपना झुकाव बिस्मार्क ने विदेश नीति में अपना झुकाव दिखाया था ऑस्ट्रिया की ओर रशिया के समानांतर लेकिन रूस को भी बहुत अलग थलग नहीं करना चाहता था वो दोनों के भी संतुलन लेकर चलता था और ये अब जानोगे कि पहला जो जर्मन चांसलर विलियम कैसर है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय था इंस्ट्रूमेंटल तो जो विलियम कैशर है वो कुछ ज्यादा ही पक्षपातपूर्ण कदम उठा लिया और वह बहुत ज्यादा ऑस्ट्रिया के को सपोर्ट करने लगा और रूस को अलग थलग कर दिया आप जैसे देखिए बिस्मार्क ने बोस्निया और हर्जेगोविना को ऑस्ट्रिया यानी हैसवर्क साम्राज्य के संरक्षण में दिया था लेकिन हैसवर्क साम्राज्य को यह अलाउ नहीं किया था कि आप इस भूभाग को संरक्षक हो आप भूभाग को आप अपना भूभाग बना लो यह अनुमति उसने नहीं दी थी लेकिन जानते हो विलियम कैशर ने एक तरह से शह दे दिए जो हैसवर्ग साम्राज्य है और हैसवर्ग साम्राज्य ने उस पूरे भूभाग को निगल लिया मतलब बोस्निया और हर्जेगोविना पर कब्जा कर लिया है साम्राज्य इस बात से रूस को धक्का पहुंचा और सर्बिया तो बहुत नाराज हुआ यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक कारण बन जा वे anyway, तो इस बात से क्या हुआ कि रूस इतना अलग थलग हो गया कि 1894 में 1894 में रूस 1894 में रूस में इधर तो आ जाएंगे तो आते हैं 1894 में अब रूस और फ्रांस इन दोनों के बीच एक द्विगुट संधि हो गई उसको डबल इंटेंट कहते हैं द्विगुट संधि रूस और फ्रांस के बीच एक तरह से रूस और फ्रांस का एक गुट बन गया और जर्मनी ऑस्ट्रिया और इटली का दूसरा गुट अब देखिए ब्रिटेन का इस बात को पूरा बिस्मार्क ने इस बात का ध्यान रखा था कि ब्रिटेन नाराज ना हो थोड़ा सा एक काम कर दो 24. तो ब्रिटेन नाराज ना हो इसका पूरा ध्यान रखा था लेकिन जो विलियम कैसर था वो विलियम कैसर ने ध्यान नहीं रखा पहली चीज तो उसने ब्रिटेन को चुनौती देनी शुरू कर दी ब्रिटेन अन्य महाद्वीपों में जैसे ब्रिटेन कहता था कि हमारे साम्राज्य का सूर्यास्त नहीं होता तो उसने भी नारा दिया कि हमें भी सूरज के नीचे जमीन चाहिए और दूसरा कि ब्रिटेन कि एक कमजोरी थी कि उसकी नौ सैनिक श्रेष्ठता इसलिए बिस्मार्क ने अपनी आर्मी को मजबूत किया था लेकिन नौ सैनिक क्षमता को नहीं बढ़ाया इसने अपनी नौ सैनिक तैयारी शुरू कर दी तो ब्रिटेन डर गया और ब्रिटेन को लगा कि यार हम तो अलग थलग रह गए एक त्रिगुट बन गया एक द्विगुट बन गया तो वो महाद्वीपीय राजनीति में लौट गया शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए ब्रिटेन अब यहां पर देखिए जो रूस है और फ्रांस है उसका एक गुट बन चुका है तो अब ब्रिटेन भी चाह रहा है कि हम भी गुट में शामिल हो लेकिन ब्रिटेन के साथ एक दिक्कत है रूस के साथ वो नहीं जा सकता क्योंकि रूस से उसकी बड़ी नाराजगी है पूरी 19वीं सदी में भारत को लेकर भी दोनों के बीच ग्रेट गेम चलता रहा है आपको मैंने अफगानिस्तान वार वगैरह बताया है अफगानिस्तान समस्या वगैरह उधर तिब्बत के रास्ते भी कहीं ना कहीं रूस घुसना चाहता था इसलिए ब्रिटेन ने क्या किया कि फ्रांस और ब्रिटेन ने आपस में मिलकर एक दूसरा दुगुट बना लिया देख तो फ्रांस अलग थलंग नहीं रह गया दूसरा द्विगुट तो अब देखो यूरोप में दो द्विगुट बन गए एक त्रिगुट एक त्रिगुट वही जर्मनी ऑस्ट्रिया इटली और एक द्विगुट है रूस और फ्रांस और दूसरा है ब्रिटेन और फ्रांस यानी फ्रांस दोनों में कॉमन है लेकिन अब विलियम कैसर को अभी विश्वास था कि बियर एंड वेल कैन नेवर गोट टुगेदर मैंने उसका विश्वास था कि देखो फ्रांस और ब्रिटेन में मित्रता हो जाए या फ्रांस और रूस में मित्रता हो जाए तो चलेगा लेकिन ब्रिटेन और रूस में कभी मित्रता नहीं हो सकती क्योंकि बियर एंड वेल वेल मछली बोलता था मछली व्हेल ब्रिटेन को और बियर भालू रूस को उसका सिंबल भालू बियर एंड व्ल बियर मतलब भालू और वेल मछली कभी एक नहीं हो सकती लेकिन वह हो गया क्योंकि 1905 में जब जापान के हाथों तो रूस हार गया और अपमानित हुआ तो उसका भी अहंकार चूर हुआ और ब्रिटेन को भी थोड़ी सी उस पर दया आ गई तरस आ गई तो अंत में दोनों के बीच सहमति बन गई तो उन्नीस में अब ये दोनों द्विगुट मिलकर 1907 में एक दूसरा त्रिगुट बन गया इस त्रिगुट में ब्रिटेन फ्रांस और रूस तीनों शामिल हो गए दोनों गुट मिल गया और एक त्रिगुट बन गया तो इस तरह से बीसवीं सदी के आरंभ तक कूटनीतिक आंदोलन हो चुका था हालांकि ये ये जो दो गुट 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 बने थे ये दोनों गुट गुट थे दोनों रक्षात्मक आक्रामक गुट नहीं थे आप लोगों ने नोट किया होगा आक्रामक गुट नहीं थे क्योंकि इसमें है कि कोई बाहरी शक्ति आप पर हमला करेगी तब दूसरा मदद के लिए खड़ा होगा लेकिन इस गुटबंदी का दो बहुत गलत प्रभाव पड़ा जो वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन बनाया एक कि गुटबंदी होने से दो राष्ट्रों के बीच जो भी समस्या होती थी वो अंतरराष्ट्रीय समस्या बन जाती थी तुरंत जैसे अब मान लीजिए मामला हुआ सर्बिया और ऑस्ट्रिया का लेकिन गुटबंदी के कारण वो अखिल यूरोपीय मामला बन गया और दूसरा कि दो गुट जब बन चुके थे तो दोनों गुट चाहते थे कि हम सैनिक दृष्टि एक दूसरे के श्रेष्ठ रहे तो उसमें जो सैनिक तैयारी उन्होंने शुरू की उस कारण से तनाव बढ़ा और अपनी सैनिक तैयारी को का औचित सिद्ध करने के लिए अपनी जनता को भी गुमराह करते थे कहते थे कि सामने वाले की तैयारी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते थे इस कारण से यूरोप का जो जनमत है वह भी दूषित हुआ तो मैं स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गुटबंदी की भूमिका कितनी है तो जितनी मैंने दी है वो मोर देन इनफ है ये तो मैंने बिस्मार्क की विदेश नीति आपको बता दी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है लिखने में इसकी आवश्यकता शायद आपको ना पड़े क्योंकि बिस्मार्क की विदेश नीति पर स्वतंत्र क्वेश्चन आप लोगों को जीएस में शायद ना पूछे हो सकता है पूछ भी डाले यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है तो इसलिए मैंने थोड़ा गुटबंदी को ज़्यादा करके बता दिया अब थोड़ा आप लोग अंकुर के माध्यम से हमें श्योर कर दीजिए कि आप लोगों ने इस बिस्मार्क के विदेश नीति को समझा या नहीं समझा प्लीज़ बी फास्ट ओके अब देखिए दूसरे कारणों पर आई तो आर्थिक तो आर्थिक में देखो मैंने दिया हुआ है साम्राज्यवाद मतलब जो अन्य महाद्वीपों में ये अपना साम्राज्यवादी विस्तार कर रहे थे तो भले ही यूरोप में इनकी टकराहट नहीं हो रही थी बल्कि अन्य महाद्वीपों में इनको निरंतर टकराहट हो रही थी अपने साम्राज्य के विस्तार में तो उस कारण से क्या था कि अपने महाद्वीप में भी एक तनाव का माहौल बना हुआ था और दूसरी बात यह है कि चलिए फिर भी बीसवीं सदी के आरंभ तक जब तक ये साम्राज्यवादी प्रसार में लिप्त रहे तब तक तो उधर व्यस्त रहे लेकिन बीसवीं सदी के आरंभ तक अन्य महाद्वीपों के जो भूभाग है वो आपस में बट गए थे तो अन्य महाद्वीपों के भूभाग आपस में बट गए थे तो फिर ये अपने महाद्वीपों में इन्होंने लौटना शुरू कर दिया और जब अपने महाद्वीपों में लौटना शुरू कर दिया तो आपस में टकराहट और तनाव और भी बढ़ गया तो दैट इज द सेकेंड पॉइंट अब तीसरा आप देखते हो सामाजिक कारक आर टेकिंग द सोशल कॉज एज वेल तो इफ यू आर मेंशनिंग अबाउट द सोशल फैक्टर तो अब सोशल फैक्टर को कैसे कवर करोगे तो सोशल फैक्टर में हमने एक टर्म दिया है सामाजिक साम्राज्यवाद जो पीछे बता चुका हूं याद होगा आपको एक्चुअली क्या था कि मार्क्सवाद के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण जितनी भी यूरोप के पूंजीवादी देश थे उन सभी में वर्ट संघर्ष की समस्या थी मतलब सर्वहारा वर्ग में चेतना बढ़ रही थी तो आपको मैंने बताया कि सामाजिक साम्राज्यवाद क्या है क्योंकि आंतरिक संघर्ष को बाहर की तरफ मोड़ने के लिए यानी इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द इंटरनल कंफ्लिक्ट आउटसाइड एक्सपोर्टिंग इंटरनल कंफ्लिक्ट आउटसाइड उन्होंने जान साम्राज्यवादी प्रसार को प्रोत्साहन दिया तो उन्होंने जो बाहर बाहरी संघर्ष बाहर जो संघर्ष को निर्यात करने की कोशिश की उसके कारण से विदेशी मोर्चे पर उनका आपस में संघर्ष और तनाव बढ़ा और फिर सांस्कृतिक वैचारिक कारक का मतलब हुआ कि देखिए अगर युद्ध को आदर्श माना जाए राष्ट्र के लिए कुर्बानी को एक पवित्र कार्य माना जाए तो क्या कहोगे आप उसको अब देखिए उस समय नाइनटीन सेंचुरी में ऐसे ऐसे चिंतक हुए उल्टा युद्ध को आदर्शीकृत करना शुरू कर, शुरू कर दिया आदर्श का जामा पहनाना शुरू कर दिया अब जैसे हीगेल थे तो हिगेल जर्मन चिंतक था उसने कहा कि स्टेट इज द आइडिया डिवाइन आइडिया ऑन अर्थ जो राज्य है वह राज्य एक इस पृथ्वी पर ईश्वरीय विचार है तो मतलब राष्ट्र के लिए आप सब कुछ अर्पित कर दीजिए जब डार्विन ने जब विकासवाद का सिद्धांत दिया तो हर्बर्ट स्पेंसर ने उसको सामाजिक डार्विनवाद के रूप में विकसित किया वो सामाजिक डार्विनवाद कहता था कि मजबूत को आगे बढ़ने दीजिए और कमजोर को मरने दीजिए तो वो जो सामाजिक डार्विनवाद है उसका यह भी मानना था कि अगर राष्ट्रों के बीच जो टकराहट होती है तो उसे जो ताकतवर राष्ट्र है उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ती है तो मतलब उसने एक तरह से युद्ध को गौरवान्वित किया तो ऐसी युद्ध की मानसिकता बन गई थी कि आपको आश्चर्य होगा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब सेना जा रही थी तो सेना पर फूल फेंक रहे थे लोग फूल फेंक रहे थे इतना युद्ध को गौरवान्वित कर रहे थे और आपको मैं एक बात बताऊं, और वही जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो आर्मी वुड बी मेकिंग अ मार्च देन पीपल वुड जस्ट सट डाउन इन देयर ओन हाउस एंड ब्रस्ट इन टू टीयर्स जब आर्मी जब जाएगी सेकेंड वर्ल्ड में जाने लगी तो लोग अपना अपना घर का दरवाजा बंद करके रोना शुरू करेंगे क्योंकि वह प्रथम विश्व युद्ध में उस दर्द को देख चुके हैं युद्ध कितना भयानक होता है युद्ध लोगों को कितना दर्द देता है तो ये आपका हुआ साम्राज्यवाद का यह पक्ष है अब सामाजिक आपने देख लिया सांस्कृतिक वैचारिक में यही बात है अब कूटनीतिक क्या है देखिए जैसे आपसे राजे वो हत्याकांड के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दू हुआ क्या आपको याद है मैंने जो कहा आपको कि बोस्निया और हरजे को जो हैब्सबर्ग साम्राज्य के अधीन बर्लिन कांग्रेस ने रख दिया था और 1908 में विलियम कैसर के शह पर ऑटोमन साम्राज्य ने बोस्निया और हरजे को अपने साम्राज्य में मिला लिया था आपको मैंने बताया है वही बोस्निया की राजधानी थी उसका नाम था सेराजेबो सेराजेबो तो दोनों को मिला लिया तो और रूस भी बहुत कष्ट में आया और सर्बिया सर्बिया बहुत आहत हुआ तो सर्बिया बहुत आहत हुआ तो सर्बिया ने तुरंत इस पर निर्णय लिया एक्शन लेने का निर्णय लिया मतलब सर्बिया सर्बिया क्या कर सकता था ऑस्ट्रिया से तो झगड़ नहीं सकता था डायरेक्ट लेकिन उसने क्या किया कि चुपके चुपके वहां पर कुछ आतंकवादी संगठन स्थापित करने शुरू कर दिए बोस्निया में हरजोविना में ताकि जनसंख्या थी तो जानबूझ के भरकाने लगा तो बहुत सारे इस तरह के सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रिया सॉरी सर्बिया की सह पर बोस्निया हर्जेगोविना में स्थापित हो गई थी अब क्या है कि जून 1914 में जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था उसका नाम था आर्च ड्यूक फर्डिनेंट तो आर्च ड्यूक फोर्डिनेट था वह जा रहा था बोस्निया की राजधानी सेराजेवो के दौरे पर जैसे कश्मीर में पाकिस्तान भरका देता है टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसी तरह से इसने राजधानी में भरकाया हुआ था जा रहा था हालांकि उसमें सर्बिया का डायरेक्ट हाथ नहीं था अब जैसे तो, तो पाकिस्तान में आप दो तरह के चाहिए वहां का जो कट्टर कट्टरपंथी हैं या वहाँ आईएसआई जैसी संस्था है तो वो तो मान लो आतंकवाद को भड़का देती है लेकिन वहाँ की जो सरकार है उसको तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जवाब देना पड़ता है तो वो डरती रहती है तो कई जैसे कारगिल का ही एडवेंचर हुआ या कई इस तरह का एडवेंचर हुआ तो सरकार की सह पर नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर तो सरकार की पकड़ से ही बहुत सारा एरिया निकला हुआ है तो अब सर्बिया भी डायरेक्ट कैसे फर्डीनेट पर हमला करवा सकता था तो वो जानता था कि वो राजकुमार है उसको कुछ होगा तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हमारी स्थिति कमजोर पड़ जाएगी और हमको जवाब देना होगा तो इसने डायरेक्ट नहीं भड़काया लेकिन जो जो इसने ऑर्गेनाइजेशन कायम कर दिए थे तो, तो एक्शन ले लिया तो उसी में एक ऑर्गेनाइजेशन था ब्लैक हैंड वही एक्टिव हो गया और जस्से मैं आरसडी फर्डीनेट बोस्निया की राजधानी से राज्यों में पहुंचा अपनी पत्नी के साथ तो उसकी हत्या करती जब उसकी हत्या हो गई तब मान लीजिए उसके बाद जो ऑस्ट्रिया है अब ऑस्ट्रिया की मानसिकता देखिए ऑस्ट्रिया की मानसिकता ये है कि भाई देखो ये ये सर्बिया ने हमें बड़ा परेशान कर रखा है हमेशा सर्वसलादी आंदोलन चलाता रहा है हमारी एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न किया है तो यही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसी बहाने इसको दबा दू तो इसी बहाने इसको दबा दूं तो उसने तुरंत अल्टीमेटम भेजा सर्बिया को कहा कि देखो दोषी व्यक्ति को हाजिर करो माफी मांगो युद्ध हर जाना दो और हमारी जांच एजेंसी को अपने यहां जाने दो जांच करने के लिए कि आखिर इसका हाथ किसका है अब इतनी सारी शर्तें किसी भी संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ जा रही थी सर्बिया के लिए ज्यादा अपमानजनक हो जाता तो सर्बिया ने रूस की तरफ देखा कि बॉस आप आप क्या बोल रहे हैं क्योंकि हमने तो आप ही के मतलब शिष्य हैं और आप ही के कहने पर हम ऑस्ट्रिया को भरकाते रहे सर सलाह दे मतलब इतना डायरेक्ट नहीं बोला जस्ट आपको समझाने के लिए बोलता हूँ इधर जर्मनी की मानसिकता देखिए विलियम कैसर की विलियम कैसर को पहले से इटली पर शक था कि मौके पर यह पार्टनर हमें धोखा देगा और उसको विश्वास केवल वही हैशवर्क साम्राज्य ऑस्ट्रिया पर था लेकिन उसको डर यह था कि स्वर्ग साम्राज्य जितनी आंतरिक समस्या से जूझ रहा है नस्लीय विभाजन की समस्या से तो उस कारण से कहीं बिखर गया या कहीं विभाजित हो गया तो जर्मनी मित्र विहीन बन जाएगा तो वो कोशिश यह करने लगा कि ऐसा करते हैं कि इसको हम मतलब उसने एक तरीके से उसको भी अच्छा लगा मतलब उसने सोचा कि ठीक है एक तरह से ऑस्ट्रिया को उसने शह दे दी जर्मनी ने कि दंडित कर दो सर्बिया को न रहेगा बास न बजेगी बास ये जाएगा तो कम से कम सलावादी आंदोलन चल के तुम्हारी एकता अखंडता को तो कोई नहीं तोड़ने की कोशिश करेगा तो जर्मनी ने सपोर्ट दे दिया ऑस्ट्रिया को सर्बिया के अगेंस्ट अब जब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में सर्बिया को सपोर्ट दे दिया तब सर्बिया ने रूस की तरफ देखा कि बॉस अब आप क्या कह रहे हैं तो रूस को अब लगा कि अब अगर हम इसको सपोर्ट नहीं देते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब बालक क्षेत्र में हमारी विश्वसनीयता सदा के लिए चली जाएगी क्योंकि लोग कहेंगे कि भाई इसके बाद पर कौन चले ये तो पिटवा डालता है मजबूत से तो इसलिए बेहतर यह है कि हमें कुछ न कुछ सर्बिया के साथ तो खड़ा होना पड़ेगा तो लेकिन पहले रूस ने सोचा कि जरा विलियम कैसर से हम पता कर लेते हैं कि वास्तव में वह एक बिना शर्त सर्बिया के मुद्दे पर ऑस्ट्रिया को समर्थन दे रहा है तो उसने राजदूत को भेजा तो राजदूत को भेजा तो राजदूत जाता है और जाकर पूछता है विलियम कैसर से अब मैं एक बात और भी बता दूं कि विलियम कैसर और रूस का शासक है जार निकोलस द्वितीय तो विलियम कैसर और जार निकोलस द्वितीय दोनों कजन ब्रदर्स भी थे मैंने कजन ब्रदर्स का मतलब ये नहीं कि चचेरा फुफेरा ममेरा टाइप का भाई थे और बचपन में सिबलिंग्स के रूप में साथ में खेले भी हुए थे और विलियम कैसर जार निकोलस द्वितीय वो कहता था निक्की और जार निकोलस द्वितीय विलियम कैसर वो कहता था बिन्नी तो निक्की ने बिन्नी के पास भेजा कि जाके पूछो कि वह वास्तव में सपोर्ट कर रहा है तो विलियम कैसर तब तक पूरी तरह मन नहीं बनाया था लेकिन जब रूसी राजदूत पूछने आया तो उसने इसलिए कि उसको लगा कि अगर मैं कह दूंगा हां तो रूस डर जाएगा वो पीछे हट जाएगा और सर्बिया ऑस्ट्रिया के सामने घुटने टेक देगा क्योंकि अगर रूस का समर्थन नहीं मिलेगा तो सर्बिया खड़ा नहीं रहेगा घुटने टेक देगा तो ये समस्या खुद सुलझ जाएगी तो उसने कहा हाँ हम तो पूरी तरह समर्थन दे रहे हैं इसी पर रूसी राजदूत रोते हुए उठ गया मैंने ब्रस्ट इन टू टीयर्स उसके आंखों में आंसू आ गए उसको लगा जब उसने कहा तब तो युद्ध निश्चित है अगर आप समर्थन करेंगे सर्बिया का सॉरी आप अगर समर्थन करेंगे ऑस्ट्रिया का तो सर्बिया का समर्थन करना हमारी मजबूरी होगी उठ गया अब यहाँ से जब रूस गया तो रूस को जार निकलो द्वितीय को पता चला तो उसने अपने सैनिक मैंने आर्मी को मोबिलाइज करना शुरू किया तो थोड़ा यूरोप का मानचित्र तुमको अपनी निगाह पर लाना पड़ेगा क्योंकि मैं इतनी बार मानचित्र दिखा चुका हूं तो अभी मानचित्र की तरफ लौटूंगा तो मेरा लिंक टूट जाएगा इसलिए थोड़ा सा तुम लोग मानचित्र अपने मन में विजुअलाइज कर लो फ्रांस का लोकेशन देखो तो फ्रांस के नहीं सॉरी जर्मनी का लोकेशन देखो तो जर्मनी के पूरब में तुमको रूस दिख रहा है पूरब में ईस्टर्न बॉर्डर पर और जर्मनी के पश्चिमी बॉर्डर पर और फ्रांस दिख रहा है तो जिसमें रूस ने सर्बिया को समर्थन दिया और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को समर्थन दिया मेरी बात समझ रहे हैं बस उसी समय फ्रांस के पास भी एक तुरुप का पत्ता था क्योंकि फ्रांस तो सेडान के युद्ध से अपमान झेल रहा था आपको पता है बस फ्रांस ने अपना तुरुप का पत्ता फेंक दिया रूस के के पक्ष में कि अब मैं हम रूस को अनकंडीशनल बिना सर्त समर्थन दे रहे हैं तो फ्रांस ने रूस को समर्थन दे दिया तो अब जर्मनी ने सोचा कि हम जर्मनी के पूर्वी मोर्चे पर रूस था कि पूर्वी मोर्चे पर हम मोबिलाइज करेंगे तो पश्चिमी मोर्चे पर उसका मित्र तो फ्रांस है तो वह भी रूस के समर्थन में आएगा तो दोनों मोर्चे पर एक साथ उसने अपना आर्मी को करना शुरू कर दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पूरी तरह माहौल बन गया अब सभी का ध्यान ब्रिटेन पर था कि ब्रिटेन इस युद्ध को रोकने के लिए क्या करेगा तो ब्रिटेन ने उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया वो अनिर्णित स्थिति में रहा अब अगर यूरोप का मानचित्र में तुम्हें दिखाऊंगा शायद तो ये देख रहे हो ये है बेल्जियम मानचित्र पर बेल्जियम देख लेना जस्ट फ्रांस के कॉर्नर में है और इंग्लिश चैनल के पास है तो मैं आप बेल्जियम का भी बड़ा एक दिलचस्प चीज है कि उसने बेल्जियम को 1837 में ब्रिटेन ने बेल्जियम को जानबूझकर जैसे बेल्जियम वैसे भी उतना पीछे ले चलूंगा तो आपको बालकन क्षेत्र वाला याद नहीं होगा मैंने आपको बताया था 1830 की क्रांति हुई थी उससे पहले वियना कोरस ने बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिलाया था आपको याद है हॉलैंड भी उसके पड़ोस में ही है तो मिलकर नीदरलैंड बना था याद है आप बुढ़ गए तो बेल्जियम को हॉलैंड से मिलाया था लेकिन 1830 के मूवमेंट में बेल्जियम 1833 में आंदोलन करके हॉलैंड से अलग हो गया था तो ब्रिटेन ने अठारह में बेल्जियम को एक निष्पक्ष राष्ट्र बना दिया उसकी सुरक्षा की गारंटी दे दी कि भाई देखो कोई बेल्जियम का कि सीमा बेल्जियम निष्पक्ष रहेगा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में और कोई इसकी सीमा का उल्लंघन करोगे तो हम इसकी सुरक्षा में खड़े हो जाएंगे तो ब्रिटेन इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा था तो चूंकि बेल्जियम ठीक इंग्लिश चैनल के इस पार है और इंग्लिश चैनल ही ब्रिटेन का सुरक्षा घेरा है तो उसको बफर क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था कि किसी को अगर हम बेल्जियम साइड नहीं आने देंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे तो ब्रिटेन केवल बार बार यही कहता था कि देखिए अगर बेल्जियम की सुरक्षा का उल्लंघन हुआ तब मैं इस युद्ध में आ जाऊंगा। तो कंफ्यूजन उसने यह पैदा किया कि एक तरफ ब्रिटेन एक तरफ फ्रांस और रूस को लग रहा था कि ब्रिटेन हमारे साथ है और दूसरी तरफ जर्मनी को लग रहा था कि ब्रिटेन इस युद्ध में नहीं आएगा और रह गई बेल्जियम की सुरक्षा की बात तो जर्मनी को लग रहा था कि गिदर भव की है ऐसा करेगा नहीं ब्रिटेन तो जर्मनी ने क्या किया कि जर्मनी ने जो फ्रांस पर हमला किया तो मैं आपको बताऊं कि 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया और जब सर्बिया पर हमला किया तो ब्रिटिश प्रधान ब्रिटिश का विदेश सचिव था ग्रे ग्रे नाम था उसका नाम है ग्रे कलर नहीं तो वो अपने विदेश मंत्रालय के ऑफिस में बैठा हुआ शाम का वक्त था खिड़की से बाहर झांकते हुए मतलब उस अंधेरे में देख रहा था और दार्शनिक अंदाज में बोल रहा था फिलोसॉफिकली कि यूरोप के आकाश से प्रकाश सदा के लिए चला गया और हमें डर है कि हमारे युग में या हमारी पीढ़ी या हमारे काल में फिर दोबारा वापस नहीं आएगा लेकिन कुछ भी नहीं किया युद्ध रोकने के लिए कुछ करना तो चाहिए और इधर जब जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया तो देखो जर्मनी फ्रांस की तरफ कैसे जा सकता है तो या तो नीदरलैंड्स के रास्ते जा सकता था या बेल्जियम के रास्ते क्योंकि ये जो है ये कंफर्टेबल जगह नहीं था बीच में देखो जैसे ये बेल्जियम है ये इधर स्विट्जरलैंड ही है तो स्विट्जरलैंड कोई को उल्लंघन कर नहीं सकता और बीच में जो टेरेन है कुछ ऐसा नहीं है हमला करने का विशेष गुंजाइश नहीं है तो इधर से ही हमला तो बेल्जियम को रोधते हुए फ्रांस पर हमला किया तो 4 अगस्त को ब्रिटेन भी इस युद्ध में कूद गया तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया अब जो मैंने पांचवा वाला जो कूटनीतिक प्रक्रिया का अवरुद्ध होना दिया है वो इसलिए कि राजा और राजकुमार की हत्या अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं थी इससे पहले भी रप में हो चुका था लेकिन कूटनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से उसका पर काबू पा लिया जाता था कोई ना कोई उसका डिप्लोमेटिक सोल्यूशन खोजा जाता था लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पर दो मैंने कारण बताए हैं एक तुमको मैंने हेनरी किसिंगर का एग्जाम्पल दिया जो अमेरिकन डिप्लोमेट है कूटनीतिक हेनरी किसिंगर ने कहा कि देखिए एक जो कारण है इस युद्ध का वो ये भी है कूटनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध इसलिए भी हो गई कि युद्ध की गति त्वरित हो गई जैसे अब ट्रेन आ गया फास्ट ट्रेन और उस पर मतलब बैठ के और आर्मी तुरंत कुछ करती थी तो युद्ध में नई तकनीकी आ गई युद्ध में तो युद्ध में गतिशीलता आ गई लेकिन जो कूटनीति की वही घिसी पिटी पुरानी पद्धति थी जो उतना त्वरित त्वरित का मतलब होता है गतिशील उतना त्वरित नहीं थी और दूसरी बात यह है कि कूटनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई थी दो दो सैन्य गुट थे लेकिन दोनों के बीच कूटनीति संबंध या कूटनीतिक प्रक्रिया यूरोप में वो सक्रिय नहीं थी मतलब कायम नहीं थी तो कूटनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई थी इस कारण से इस समस्या का निजात नहीं खोजा गया और अंत में वर्ल्ड वॉर हो गया यही पांच कारण है तो मैंने बहुत सारे मुद्दे समझा और मैटर में तो मैंने आपको स्पष्ट दिया ही हुआ है तो जरा आप लोग अंकुर के माध्यम अंकुर के माध्यम से आप हमें हिंट कर देते कि आप लोग समझ गए तो मुझे खुशी होती yes. समझ गया अब चलिए अब मैं आपको दूसरे दूसरे मुद्दे है, एक मुद्दे है कि क्या प्रथम विद्युत को टाला जा सकता था बहुत आराम से इसको आप पढ़ सकते हो दो मुद्दे हैं तो प्रथम विद्युत को टाला जा सकता था तो देखो यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके आप फेवर में भी जा सकते हो जिसके अगेंस्ट में भी जा सकते हो तो अब जैसे एक हिस्टोरियन ने बड़ी अच्छी बात कही कही कि अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि प्रश्न प्रथम विश्व युद्ध को नहीं टाला जा सकता था तब तो थोड़ा सा मतलब एक तरह से ये तो निराशाजनक बात होगी क्योंकि इसका मतलब वर्ल्ड वॉर होना ही था अरे हम लोग क्रिएटिव वर्क करते तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को टाल सकते थे उसका कहना है उसका निजी विचार है इसमें निजी विचार के लिए हमेशा गुंजाइश होती है लेकिन इधर मैं आपको बताना चाहता कि इसमें जो बेसिकली आपको स्टैंड क्या लेना है तो आप कोई भी स्टैंड ले सकते हैं तो मुझे टाला प्रथम विश्व युद्ध को टाला जा सकता था तो उसमें हमने नहीं के फेवर में लिया आप तो पक्ष में तो देखो ये बात दी गई है कि यह सही है कि बीसवीं सदी के आरंभिक दशक तक साम्राज्यवाद सैन्यवाद उग्र राष्ट्रवाद सभी एक जटिल स्थिति में पहुंच गए थे विभिन्न देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के साम्राज्यवादी विभाजन के पश्चात

कोई भी एक घटना एक बीस युद्ध को जन्म दे सकती थी परंतु कूटनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से इस समस्या का समाधान खोजा जाता जा रहा था प्रथम युद्ध में से पूर्व जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वह थी कूटनीतिक प्रक्रिया का अवरुद्ध हो जाना बस तो यह एक रचनात्मक कूटनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से इस युद्ध का समाधान खोजा जा सकता था तो आपको मैंने पक्ष में भी दे दिया है जिसको आप लोग आराम से पढ़ोगे कि आपको बहुत सारा आगे की समस्या है जो आगे मैं पढ़ाऊंगा तो होगा कि हर स्थिति में लेकिन आपके लिए सूटेबल आप दोनों एक साथ नहीं जा सकते हो सबसे बड़ी बात है कि ये ये मैंने जो मैटर दिया है उससे आपको कहीं कंफ्यूजन ऐसा ना हो जाए कि एक ही बार हम पक्ष में या विपक्ष में दोनों लिखे या तो आप पक्ष में लिखोगे या विपक्ष में लिखोगे देख लेना आप लोग अब समझदार काफी हो गए हो। दोनों एक साथ मत लिख देना तो विपक्ष में आप क्या लिखोगे तो विपक्ष में ज्यादा सूटेबल है विपक्ष में ही लिख देना जैसे देखो एक्चुअली इस युद्ध में एक समस्या यह थी कि विभिन्न शक्तियों के मौलिक हितों में टकराहट थी और जब मौलिक हितों में टकराहट हो तब बीच का कोई मार्ग नहीं होता तब तो अंतिम मार्ग ही होता है क्योंकि अब देखो जर्मनी के लिए यह बाजार प्राप्त करने का साधन था तो ब्रिटेन के लिए शक्ति संतुलन को बनाए रखने का साधन था तो इटली के एकीकरण के अधूरे एजेंडे को पूरा करना था जैसे इटली को जैसे जर्मनी में तो चलो बिस्मार्क का सेटिस्फेक्शन हो गया कि नहीं हमारा एकीकरण पूरा हो गया लेकिन इटली हमेशा यह क्लेम करता था कि हमारा एकीकरण अभी भी अधूरा है और हमारा एकीकरण तब पूरा होगा जब हम एडिया क्षेत्र में अब देखो एडिया क्षेत्र ये ये इटली है मानचित्र पर देखोगे और ये आप देखोगे इधर अल्वानिया है इधर यूनान है ये यूनान है तो अब देखिए इसमें है ऐसा कि ये जो ये जो आप देख रहे हो ना ये एडियाटिक सी है तो कहीं ना कहीं इटली के मन में अभी भी यही लालच था कि हम एडियाटिक क्षेत्र में कुछ भूभाग प्राप्त करें तब हमारा एक ही हीकरण पूरा होगा हम अभी भी पूरी तरह से यूनिफाइड नहीं तो इटली के लिए वो मुद्दा था और रूस के लिए बाल्कन क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने की चुनौती थी क्योंकि अगर सर्बिया को सहायता नहीं करता तो उसकी विश्वसनीयता सदा के लिए चली जाती और फ्रांस के लिए अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और खोई हुई ताकत और प्रतिष्ठा को पुनर्प्राप्त करने का एक साधन था जहां मौलिक हितों में इतनी टकराहट हो तो इसको कैसे टाला जा सकता है तो ये स्टैंड अगर आप चाहो तो ले सकते हो अभी डिपेंड करता है दोनों में से कौन तो मैं तो कहूंगा यही आप ले लीजिए विपक्ष में अब देखिए क्या इस युद्ध के लिए जर्मनी उत्तरदायी था ये भी बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है शायद अब तो पढ़ के आप लोग समझ लेते हो ना खास कर मेरे लेक्चर सुनने के बाद एक बार आपको और पढ़ना चाहिए और मुझे लगता है कि आप लोग अगर पढ़ लोगे तो समझ ही जाओगे इतने समझदार तो आप हो तो क्या इस युद्ध के लिए जर्मनी उत्तरदायी था तो देखो ये अनुच्छेद जो दो लगाया गया ये वर्षाई की संधि जो बनी उसके अनुच्छेद दो में एक तरह से यह प्रावधान था उसमें पूरा वॉर गिल्ट जर्मनी के सिर पर रखा गया कि ये जर्मनी ही उतरदाई क्यों क्योंकि देखो जर्मनी के साथ तो बहुत टफ बिहेवियर कर रहे थे जो आपको बता चुका हूं थोपी गई संधि थी तो जो जर्मनी के साथ वो कर रहे थे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो एक, एक उचित कदम नहीं था अपने अनुचित कदम को उचित करने के लिए यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते थे कि अरे यही खलनायक है यही इस युद्ध का कारण है इसको जितना भी पनिशमेंट दो कम है लेकिन सच्चाई यह है कि हम लोग को स्टैंड क्या लेना है मैंने इसमें मैटर में दिया हुआ है कि जर्मनी उत्तरदायी था लेकिन वो अकेला उत्तरदायी नहीं था उसके साथ अन्य यूरोपीय शक्ति भी उत्तरदायी थी क्वेश्चन पूछा भी आपको 2015 यूपीएससी जीएस पेपर में लेकिन केवल अकेला फर्स्ट वर्ल्ड नहीं पूछा है दोनों वर्ल्ड वॉर पूछा है क्या 20 युद्धों के लिए केवल जर्मनी था उत्तरदायित्व चिन्ह तो खैर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आएगा तो वहां पर भी हम जर्मन उत्तरदायित्व को देख लेंगे कि जर्मन उत्तरदायित्व कितना था देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्ल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्ल के समय देखेंगे आपसे एक ही अपेक्षा रखेंगे जब मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्ल करा रहा या दो वर्ल्ड वॉर्स के बीच यूरोप करा रहा हूँ तो उसमें आज जो मैंने बताया उसको अगर तुम भूल जाओगे तो फिर वो करने में मज़ा नहीं आएगा और मुझे लगता है कि पढ़ने में पहले मजा आना चाहिए जब मजा आता है तो याद रहता है और याद रहता है अंडरस्टैंडिंग बनती है जितनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी बढ़िया तुम्हारी राइटिंग होगी और तब तुम सफलता को तुम क्या खोजोगे सफलता तुम्हें खोज लेगी आप ये सब जो मैं आपको कह रहा हूँ आप करो आप पहले स्टडी को इन्जॉय करो और देखो इसमें कितनी तरक्की होती है और कैसे सफलता मिलती है तो आप यहां पर अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के अलावा और बाकी कौन थे उसमें तो तो कहो क्लियर कट लिखो कि यह सही है कि जर्मनी ने युद्ध की परिस्थिति पैदा की लेकिन रूस ने सर्बिया को समर्थन देकर स्थिति को और संकटपूर्ण बना दिया और फ्रांस ने रूस को समर्थन देकर यूरोप को युद्ध के कगार पर ला दिया अब सारी निगाह जर्मनी अब सारी निगाह ब्रिटेन पर लगी हुई थी कि ब्रिटेन युद्ध रोकने के लिए क्या कर रहा है तो जहां अन्य शक्तियों ने कुछ अन्य यूरोपीय शक्तियों ने कुछ करके युद्ध ला दिया तो ब्रिटेन ने कुछ ना करके युद्ध ला दिया अपने इनएक्शन के कारण युद्ध की स्थिति पर ला दिया यूरोप को लिखा ही हुआ है तो आप उसको समझ ही जाओगे अब इसमें खासकर आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है क्योंकि आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि भाई इस वॉर में कौन कौन से पावर शरीक हुए तो इतना तक तो आप लोग समझ गए होंगे अंकुर क्या ओके है मेरे स्टूडेंट्स yes. आप लोग यहां तक जो मैंने बताया वहां समझ चुके हो क्या हाल है ओके yes. okay है तो अब देखिए क्योंकि आप लोग नॉर्मली क्या होता था कि पहले ये चीज नहीं बताता था इसे क्वेश्चन आपका नहीं बनता है आपके मन में जिज्ञासा होगी यार ये वॉर में कौन देश किसके साथ था कैसे कैसे क्या हुआ तो इसीलिए मैं घटनाक्रम थोड़ा सा इसमें लिख दिया है आप लोग को पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा बस मैं आपको समझा देता हूं आपको याद हो जाएगा देखिए मानचित्र की जरूरत पड़ेगी हमें देखिए जैसे देखिए ये क्या है कि जर्मनी ऑस्ट्रिया और इटली इनके इनके गुट थे जब वॉर शुरू होने वाला था तो इटली ने साफ शब्द में कहा कि देखो भाई हम आपके साथ रक्षात्मक संधि में बंधे हुए थे आप जा रहे हो अब अटैक करने और आप लोग जिस मुद्दे पर युद्ध कर रहे हो वो संधि का मतलब नहीं है तो इसलिए हमें तो बाहर ही रहने दो तो इटली बाहर चला गया अब इटली बाहर चला गया लेकिन तब तक ऑटोमन साम्राज्य जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ हो लिया क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य को क्या परेशानी थी तो उसको बाकी देखो जर्मनी एक ऐसा देश था जिसको बालकन में कोई खास रुचि नहीं थी तो जर्मनी तो उसे हमेशा उसके साथ सहानुभूति बोलती बड़े बगदाद रेलवे भी बनाया और वो उसको लूटा नहीं बाकी सब उसको लूट रहे थे तो उसको जर्मनी से ही ज्यादा कंफर्टेबल फील किया तो वो जर्मन गुट में आ गया तो अब तीन हो गए जर्मनी जर्मनी ऑस्ट्रिया और ऑटोमन साम्राज्य ये जितना ग्रीन है उसको देखिएगा और इसके साथ जर्मनी है ऑटोमन साम्राज्य इसके साथ एक और कंट्री आ गया बुल्गारिया तो चार कंट्री इधर हो गए उधर ब्रिटेन फ्रांस तो था उधर तो फ्रांस और रूस तो शामिल हुआ था आपको याद होगा ब्रिटेन भी आ गया तो तीन तो यही हुए और फिर इनके साथ एक कंट्री आ गई रोमानिया रोमानिया आ गई ब्रिटेन के साथ तो तीन से चार हुआ और ब्रिटेन ने इटली को लालच दिया तुम वॉर में आ जाओ तो इटली ने कहा तो हमें क्या एडियाटिक क्षेत्र में भूभाग मिलेगा तो 1915 में ब्रिटेन ने इटली के साथ एक गुप्त संधि कर ली कि ठीक है आप युद्ध में आओ आपको हम एडिया क्षेत्र में आपको हम एडियाटिक क्षेत्र में, में भूभाग देंगे तो वो आ गया तो वो भी आ गया इसके अलावा जापान को भी उन्होंने लाल दिया जापान उस समय आपको बताया था कि जापान तो अपना औदयीकरण करने एक सैनिक शक्ति में तब्दील हो गया था येलो डेंजर तो ब्रिटेन ने जापान को कहा एशिया प्रशांत क्षेत्र में आप आ जाओ जर्मनी के अगेंस्ट में तो जापान ने कहा बदले में आप हमें क्या देंगे तो इसने पूछा क्या लोगे मतलब ऐसे नहीं पूछा ही, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोलता हूं तो जापान ने कहा कि चीन का में जो शांतुंग क्षेत्र है शांतुंग हमें दे दो अब देखो उस समय तक चीनी खरबूजे को बांटा हुआ था काटा हुआ था एक तरह से तो अलग अलग उन लोगों ने अपना अधिकार कायम किया होता क्षेत्रों पर तो शांतुंग क्षेत्र पर जर्मनी का अधिकार था तो वही जापान की नजर शांतुंग पर थी कि इस युद्ध में जर्मनी हार जाएगा तो शांतुंग हमें दे देना इसने जा, जापान को प्रॉमिस कर दिया मित्र राष्ट्रों ने ठीक है शांतुंग आपको मिल जाएगा तब तक चीन भी युद्ध में आ गया था भारत भी ब्रिटेन की तरफ से आ गया तो चीन भी मैं डॉक्टर संन्यास सिंह चीन कहता हूं युद्ध में आ गया चीन ने रिक्वेस्ट किया ब्रिटेन से कि आप इतना जरूर करिएगा कि युद्ध जब जर्मनी हार जाएगा तो शांतुंग हमें लौटा दीजिएगा तो चीन को भी वादा कर लिया हां शांतुंग लौटा देंगे और उधर जापान से गुप्त संधि कर ली कितने बड़े विश्वासघात है समझ सकते हो और तो बाकी कॉलोनीज भी आ गए इधर एक घटना क्या हुई इस वॉर के समय कि रूस में क्रांति हो जाएगी जो मैं आगे, आगे आपको रूस की क्रांतियां बताऊंगा रूस में हो जाएगी क्रांति तो रूस उससे बाहर हो जाएगा जब रूस बाहर होगा तो लेकिन इसका पक्ष कमजोर पड़ने लगेगा चूंकि जर्मनी हावी होने लगेगा तब तक क्या हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में प्रवेश कर गया और ब्रिटेन और फ्रांस के की तरफ से अब कहोगे 1917 में जो संयुक्त राज्य अमेरिका का भागीदारी इस वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो क्यों हुई तो चूंकि संयुक्त राज्य एक्चुअली सबसे मेन कारण था कि संयुक्त राज्य अमेरिका का बड़ा मार्केट था ब्रिटेन और फ्रांस और उसको लगा कि अगर हमारा मार्केट ध्वस्त हो गया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा नंबर वन नंबर टू कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसलिए भी इस युद्ध में आ गया इसके दो तात्कालिक कारण मैंने वहां पर काउंट करा है एक तात्कालिक कारण यह था कि देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का अगर तुम मानचित्र देखोगे तो उसके दक्षिण में मैक्सिको है तो कभी 1846 में संयुक्त अमेरिका ने मेक्सिको के साथ युद्ध करके उसका कुछ भूभाग छीना हुआ था तो जर्मनी अच्छा जर्मनी को संयुक्त अमेरिका से युद्ध से पहले जब मैं बता रहा हूं वॉर में तो संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं कूदा है उससे पूर्व की बात है लेकिन चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस का बड़ा सप्लायर था इसलिए जर्मनी उससे नाराज रहता था। तो जर्मनी ने चुपके से भड़काया मेक्सिको को कि तुम ऐसा करो तुम संयुक्त अमेरिका पर हमला कर दो और हम तुम्हारी सहायता करेंगे उस हमले में तो उसको के माध्यम से ये उसने तो वही माध्यम था उसने भेजी जर्मन सरकार को सॉरी जर्मनी ने भेजी मेक्सिको की सरकार को ब्रिटिश बीच में ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस विभाग था उसने उस टेलीग्राम को किस तरह से कैचअप कर लिया और कैचअप करके संयुक्त अमेरिका को दे दिया कि देखिए आपके अगर इसमें क्या सरेंडर कर रहा है संयुक्त अमेरिका आग बबुला हो गया एक तो ये बात हुई और दूसरा क्या हुआ कि बाद में वॉर के जो लेटर डेज था उसमें एक सबमेरिन उसको पंडुबियों की लड़ाई बोलते हैं उसमें जर्मनी ने जर्मनी तो लोग तो वैसे भी देखो थोड़ा सा तो एग्रेसिव ज़्यादा होते ही थे तो उस क्रम में आज भी तुम देखोगे हॉलीवुड की जो मूवी होती है वो तो खैर यूरोपियनों की मेंटेलिटी है जानबूझ के जर्मनी को जर्मन्स को विलेनाइज करते हैं तो इसलिए तुम देखोगे हॉलीवुड की मूवी होती है उसमें अधिकतर जो विलेन्स का रोल मिलता है वो जर्मन्स को मिलता है तो क्या हुआ कि इसने जर्मनी ने बहुत सारे जहाज़ों पर हमला शुरू कर दिया पंडोबी के माध्यम से उसी में उसने एक यात्री जहाज को डुबो दिया उस यात्री जहाज में ब्रिटिश नागरिक अधिक संख्या में थे और ग्यारह अमेरिकी नागरिक भी थे ये इमीडिएट प्रेस्ट बना के अमेरिका इस वर्ल्ड वॉर में कूद गया तो लगभग 22 देश थे उनको कहलाए एलाइड पावर्स मित्र राष्ट्र और जो जर्मनी ऑस्ट्रिया हैसबर्ग एम्पायर और बुल्गारिया का गुट था उसको कहते थे सेंट्रल पावर तो यही दो पावर हैं और बाकी तो मैंने मैटर में लिख ही दिया है तो इसलिए मैं हर चीज़ का कंटेंट आपको दे देता हूं क्योंकि यहां लिखवाना तो संभव नहीं तो कंटेंट मैं आपको दे देता हूं जो कंटेंट को आप पढ़ोगे एक बार क्लास अटेंड करने से पहले और एक बार क्लास अटेंड करने के बाद अब इसके बाद क्यों शामिल हुआ प्रथम बीज युद्ध को एक संपूर्ण युद्ध क्यों माना जाता था तो इसको मैंने इसमें पॉइंट दिया क्लियर है क्योंकि अगर आप, आपको इसमें, इसमें सैनिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में सिविल नागरिकों की भागीदारी रही पहले युद्ध में सैनिकों की भागीदारी होती थी परंतु इसमें सिविल नागरिकों की भागीदारी रही दूसरा इस युद्ध का भौगोलिक प्रसार बहुत अधिक था यह केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि अन्य महाद्वीपों में भी लड़ा गया तथा तो भूमि एवं समुद्र सभी क्षेत्रों में संघर्ष चले मतलब यह अन्य महाद्वीपों में भी लड़ा गया और भूमि पर भी युद्ध हुआ समुद्र में भी हुआ हर जगह हुआ अभी आसमान बचा हुआ है जबकि एरोप्लेन अभी नहीं आया है इस युद्ध का काल भी अपेक्षा के दीर्घ रहा चूंकि चार वर्ष चले फिर यह केवल सैनिकों का युद्ध नहीं था और ना ही केवल इसके लिए सैनिक तैयारी पर्याप्त थी बल्कि यह संसाधनों का भी युद्ध था इसलिए जिस देश के पास जितना अधिक संसाधन होता वो इस युद्ध में उतना अधिक टिक पाता संसाधन भी चाहिए नेक्स्ट वन इस युद्ध के मध्य सैनिक संसाधनों के साथ साथ उद्योगों तथा अन्य आर्थिक केंद्रों को भी निशाना बनाया गया इसलिए इस युद्ध को मध्य अभूतपूर्व रूप में आर्थिक क्षति हुई क्योंकि आर्थिक खनिकों की बाकी क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया किसी भी युद्धरत राष्ट्र के संपूर्ण राष्ट्रीय प्रयास का नतीजा था यह किसी भी युद्धरत राष्ट्र के संपूर्ण राष्ट्रीय प्रयास का नतीजा था बड़ी संख्या में पुरुष सैन्य मोर्चे पर भेज दिए गए और महिलाएं ऑफिस अस्पताल शिक्षण संस्थाएं आदि क्षेत्रों में कार्यरत रहीं मैंने पुरुष युद्ध मोर्चे पर भेज दिए गए महिलाएं उसमें कार्यरत रही इतना तक कि बच्चों को भी स्कूल से हटाकर उत्पादन में लगाया गया मतलब पूरी सिविल जो पॉपुलेशन थी इस युद्ध में हिस्सा लिया प्रथम विश्व युद्ध के मध्य परंपरागत हथियारों के साथ साथ नए प्रकार के संघारक हथियारों का विकास देखा गया उदाहरण के लिए रासायनिक हथियार और जैविक हथियार मतलब इसी में केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स भी प्रयोग में आए इस युद्ध में फिर मैंने दूसरा दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध का यूरोपीय समाज पर प्रभाव तो यूरोपीय समाज के प्रभाव में एक दो तीन मतलब ये जो मैंने प्रभाव दिया है ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा सिर्फ ये है देखो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में आर्थिक पुनर्निर्माण आरंभ हुआ इसके साथ कई प्रकार की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की शुरुआत हुई इन समस्याओं का स... अरे। प्रथम विश्व युद्ध ने निश्चय ही एक विध्वंसात्मक प्रभाव डाला किंतु कहीं कहीं इसका रचनात्मक तो प्रभाव भी देखा गया प्रथम विश्व युद्ध एक संपूर्ण युद्ध था इसमें सैनिकों के साथ साथ एक बढ़ी एक इंट्रोडक्शन है गैरसैनिक जनसंख्या की भागीदारी रही अतः स्वाभाविक रूप में इसने यूरोपीय जीवन को गहरे स्तर प्रभावित किया एक प्रथम विजय यहाँ पर पहले आपको दिया गया पहला पॉइंट में कि कुछ जो पुराने साम्राज्य थे उनका मतलब पुराने जो राजवंश थे उनका पतन हुआ तो उसे प्रजातांत्रिकरण को प्रोत्साहन मिला जैसे ऑटोमन जैसे हैसवर्ग साम्राज्य जो ऑस्ट्रिया का था थावर्ग सम्राट मैंने उसमें उसको कहते हैं हैंग वंश उसका पतन हो गया रूस में रोमनाव वंश का पतन हो गया और जर्मनी में होहेन जोलन वंश का पतन हो गया तो हम प्रजातांत्रिकरण पर की प्रक्रिया को बल मिला तो एक तो एक तो अच्छी बात हो गई दूसरा किंतु तो दूसरी तरफ फांसीवादी विचारधारा फांसीवादी विचारधारा इटली में देखोगे क्योंकि क्या हुआ कि जो लोग इस वॉर्ड से असंतुष्ट होंगे उनके यहाँ उग्र राष्ट्रवाद जन्म लेगा जो पराजित सैनिक होंगे पराजित सेनापति होंगे और जो पेरिस शांति सम्मेलन से आगे चलकर असंतुष्ट हो गए उस वॉर में उनकी बड़ी भागीदारी होगी और तीसरा है मैंने वो एक नई विचारधारा को प्रोत्साहन देंगे आगे पढ़ाऊंगा फांसीवाद तीसरा है प्रथम विश्व युद्ध ने युद्ध प्रेरित व्यापार को प्रोत्साहन दिया किंतु युद्ध के पश्चात अर्थव्यवस्था को धक्का लगा फिर 1920 के दशक के अंत में यूरोपीय अर्थव्यवस्था एक प्रकार का असंतुल उत्पन्न हो गया जो विश्व आर्थिक मंदी के रूप में प्रकट हुआ जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली होता क्या है कि जो युद्ध के समय युद्ध प्रेरित उत्पादन को बन मिला चूंकि युद्ध ने डिमांड क्रिएट किया तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन शुरू हुआ और युद्ध समाप्त हुआ तो डिमांड गिर गया तो प्रोडक्शन कम हो गया तो थोड़ी अर्थव्यवस्था में मंदी का वातावरण आ गया और चौथा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में आर्थिक पुनर्निर्माण आरंभ हुआ इसके साथ कई प्रकार की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की शुरुआत हुई इन समस्याओं का सामना करने के क्रम में यूरोपीय सरकारों की शक्ति बढ़ गई तथा मानव स्वतंत्रता नियंत्रित हुई जैसे देखो जब इस तरह का इमरजेंसी पॉलिटिक्स चलता है आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य चलता है तो उसका स्वाभाविक परिणाम होता है कि उसे जो मानव बेसिकली जब आर्थिक निर्माण का कार्य चलेगा ये चलेगा तो सरकार की शक्ति बढ़ जाती है और सरकार की शक्ति बढ़ जाती है तो सरकार थोड़ा सा ज्यादा अपनी जनता की शक्ति में कटौती कर देती है तो सरकार का पावर बढ़ना भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक परिणाम हो सकते हो दूसरा है कि आपको पांच नंबर पॉइंट में कहा गया है कि देखो जैसे पुरुष चले गए युद्ध मोर्चे पर तो महिलाओं का दायित्व तो बढ़ गया महिलाओं की आर्थिक सामाजिक जीवन में भागीदारी बढ़ गई अब उन पर तिहरा दबाव था ऑफिस दफ्तरों में काम करते थे अस्पतालों में ऑफिस दफ्तरों में काम करते थे दूसरा अपने गृहस्थी की सामग्री भी जुटाते थे तीसरा अपने बच्चों को भी पालते थे तो आर्थिक सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी तो उनके अधिकार भी बढ़े और प्रथम विश्व युद्ध के बाद विभिन्न क्षेत्रों में देखोगे महिलाओं को मताधिकार मिला और प्रथम बिजु ने परिवार को गहरा धक्का पहुंचाया पति पत्नी और बच्चे सब एक दूसरे से अलग हो गए पुरुष युद्ध मोर्चे पर चले गए महिलाएं फैक्ट्री और अनुत्पादन केंद्रों पर काम करने लगी वहीं बच्चे भी अपने अध्ययन के बीच में अस्थायित कई उदासनों की फैक्ट्री में काम करने लगे मैंने परिवार को तोड़ा भी पुरुष कहीं और महिलाएं कहीं और बच्चे कहीं और काम कर रहे हैं स्कूल विद्यालय में जाना छूट गया मतलब बहुत एक दयनीय स्थिति हो गई और प्रथम विश्व युद्ध के मध्य रासायनिक और जैविक हथियार अब देखो इससे पहले इन हथियारों के बारे में आज भी रोकडे खड़े हो जाते हैं रासायनिक हथियार अब जैविक हथियार तो जानती हो कुछ लोग ये भी करते हैं कि चाइना अपना एक जैविक हथियार बना रहा था जिससे कोविड मतलब कोरोना का वायरस निकल गया और उसी से उसके लेबोरेटरी लेवर, से वही लीक हुआ तो उसी लीक के कारण पूरी दुनिया में फैल गया अगर ऐसा है तो ये तो एक छोटा सा नमूना है लेकिन अगर किसी पर कोई चला दे फिर क्या होगा तो बहुत खतरनाक हथियार है इस प्रथम के मध्य जैविक और रासायनिक और प्रथम के बाद तर्कवाद और मानव विवेक की अवधारणा को धक्का लगा दूसरी तरफ संशयवाद की अवधारणा को बल मिला इसके अतिरिक्त आस्था एवं भावना जैसे कारकों पर विशेष बल दिया जाने लगा यह मनोभाव समकालीन साहित्य और कला में अभिव्यक्त हुआ है देखो तर्कवाद और विवेक मतलब यह हुआ कि जब फ्रांस की क्रांति प्रबोधन आया तो तर्कवाद 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 और विज्ञान के माध्यम से मानव पूर्णता प्राप्त करेगा लेकिन जब पहली बार यूरोपीय चिंतकों ने देखा कि मानव मान मानव को गाजर मूली की तरह काट रहा है तो उसे लगा कि अरे स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का यह नारा कहां चला गया तर्कवाद कहां गया तो उनके मन में तर्कवाद जैसी विचारधारा को धक्का लगा और संशयवाद संशयवाद का मतलब कि हर चीज को मतलब किसी एक चीज पर विश्वास नहीं करना मैंने संस है संस शक मैंने किसी को ये है या नहीं है इसको स्वीकार नहीं करना विचारधारा तो के तौर तो पर इसको बात करते हैं अंग्रेजी में इसको स्केप्टिसिज्म बोलते हैं इस विचारधारा को धक्का लगा और जब तर्कवाद को धक्का लगता है तो आस्था पर और भावना पर नेचुरली जो दिल और मतलब मस्तिष्क को जब तो आस्था पर विश्वास बढ़ जाता है तो आस्था और भावना जैसी चीजों की को प्रोत्साहन मिला तो उस समय का जो साहित्य और कला है वो साहित्य और कला में भी इस प्रकार का भाव व्यक्त होता है अब देखो ये यह कहना कहां तक सही है कि प्रथम विश युद्ध आवश्यक रूप से शक्ति संतुलन के संरक्षण के लिए लड़ा गया था इस आंसर मैंने दिया है, इसको पढ़ लेना एक्चुअली देखो ये क्वेश्चन आर्गुमेंटेटिव है अगर यही क्वेश्चन आता मैं स्टूडेंट्स आप लोग आप समझ रहे हो इस चीज को तो यह कहना कहां तक सही है कि यह प्रथम बीज आवश्यक रूप से शक्ति संतुलन के संरक्षण के लिए लाया गया था मतलब यह कहना कहां तक सही है तो इसका मतलब है कि यहां तक सही है इसके बाद सही नहीं है इसमें आपने देखोगे एक्चुअली देखो बेसिकली ये जो 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था ऑप्शनल में तो 20 परसेंट ऑप्शनल का क्वेश्चन ऐसा है जो जीएस में के लिए भी इंपॉर्टेंट है अस्सी परसेंट तो नहीं 80 परसेंट ऑप्शनल का क्वेश्चन अलग है और जीएस का अलग है 20 परसेंट कॉमन है इसी को ध्यान में रख के दिया है कहीं हो सकता है आपको जीएस में पूछे चूंकि दो में जो ऑप्शनल में पूछा है वो दो में वही क्वेश्चन जीएस में वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछा है अमेरिकी क्रांति के ऊपर तो इसीलिए मैंने दिया है इसमें ये बेसिकली 2015 में हेनरी किसिंगर की, की बुक आई थी वर्ल्ड ऑर्डर तो उसमें शक्ति संतुलन की अवधारणा पर काफी बल दिया गया था ये स्टेटमेंट हेनरी किसिंगर का ही है तो देखो ब्रिटेन के लिए तो शक्ति संतुलन की बात थी बाकी शक्तियों के लिए तो ये केवल मुद्दा नहीं था तो इसलिए इस क्वेश्चन में मैंने स्टैंड लिया है कि प्रथम भी जो जटिल परिस्थितियों की उपस्थित सदी की आर्थिक राजनीतिक संरचना का परिणाम था इस अंतर्विरोध को उत्पन्न करने में शक्ति संतुलन बिगड़ने जैसे कारक की निश्चय ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी परंतु तो इसके साथ कुछ अन्य कारक भी जुड़े हुए थे मेरा है पढ़ा होगा और तब तो मैंने पहले शक्ति संतुलन पर दिया है और फिर बाकी कारणों पर भी दिया है अब देखो तुनू का जो होमवर्क मैं दे रहा हूं वो होमवर्क क्या दे रहा हूं तो ये बेसिकली मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा बदल के दे रहा हूं लोग ट्राई करना प्रथम विश्व युद्ध मूलतः शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए लड़ा गया था इस कथन इस कथन को स्पष्ट कीजिए स्पष्ट कीजिए अब इस कथन को स्पष्ट कीजिए अब अंकुर मैंने स्टूडेंट्स से एक चीज पूछो कि जो क्वेश्चन मैंने पीछे किया है जो मैंने आंसर में दिया और ये क्वेश्चन मैंने दिया है क्या ये दोनों एक ही क्वेश्चन है या अलग अलग है प्लीज मैं स्टूडेंट्स मिस्टर अंकुर को आप इन्फॉर्म करिए उसके माध्यम से हमें पता चल जाएगा डिफरेंट है ठीक है आप लोग स्मार्ट इनफ हो 150 फिफ्टी वर्ड में इस क्वेश्चन को जरा करके आप लोग रखना और मैं मंडे को इसको कवर करूंगा थोड़ा सा थोड़ा आगे का इसमें मुद्दा हो गया इसलिए अभी आपको समझ में नहीं आप हमको second world war कराने दो फिर इस मुद्दे को देखना जैसे 19 सदी को लंबी सदी और बीसवीं सदी को छोटी बीसवीं सदी क्यों कहा जाता है तो मैं लंबी उन्नीसवीं सदी तो मैं आपको समझा चुका हूँ छोटी बीसवीं सदी नहीं समझा चुका हूं जो मैं आगे समझाऊंगा दूसरा क्या कहना सही कि प्रथम बीजेपी सदी के यूरोपीय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में उत्पन्न विकृतियों की उपज था तो ये तो है ये तो तुम कर लोगे चूंकि राजनीतिक मैं बता ही चुका हूं आर्थिक सामाजिक बता ही चुका हूं क्या आप इस विचार से सहमत है कि विश्व युद्धों को दो अलग अलग युद्धों के रूप में मानने के बजाय इन्हें एक ही युद्ध के रूप में लिया जाना चाहिए जो कि इकतीस वर्षो तक फैला हुआ है तो ये मैं सेकंड वर्ल्ड वॉर जब पढ़ा दूंगा उसी समय में ये मुद्दा उठाऊंगा कि ये चार वर्षों का युद्ध नहीं इकतीस वर्षों का युद्ध था क्योंकि बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि शुरू तो हुआ अट्ठाइस जुलाई को उन्नीस को चौदह समाप्त हुआ पंद्रह अगस्त उन्नीस को और क्या आप इससे सहमत हैं कि प्रथम पिछले सौ वर्षों से पश्चिम एशिया और अरब क्षेत्र में जारी है यस तो ये मैं अरब राष्ट्रवाद पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में कराऊंगा अगला टॉपिक में उसमें ये तुम्हारा क्लियर हो जाएगा और क्या प्रथम बीजेद यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए लड़ा गया था ये तो मैंने ऑलरेडी आपको उत्तर दिया हुआ है तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है तो मैं स्टूडेंट्स ये टॉपिक समाप्त हुआ अब कल आप लोगों को क्लास तो मैं मंडे लूंगा क्लास लेकिन कल मैं एक मैटर भेजूंगा पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस और आप लोग कल के कल डाउनलोड करोगे क्योंकि मैं मैसेज भी भेजूंगा और कल के कल आप लोग डाउनलोड करोगे पेरिस कॉन्फ्रेंस को है ना तो फिर हम आपसे मंडे को मिलते हैं ओके थैंक यू वेरी मच आई विल सी यू गुड नाइट